धौलपुर जिले के डौली थाना क्षेत्र के गांव सामौर में 28 वर्षीय युवक ने पत्नी द्वारा शराब के लिए पैसे नहीं देने पर ब्लेड से गर्दन काट ली। लहूलुहान हालत में पत्नी द्वारा युवक को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। गर्दन पर काफी गहरा जख्म होने से युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें, 28 वर्षीय जितेंद्र पुत्र हुकुम सिंह निवासी आगरा अपनी पत्नी अर्चना के मायके में ही रहता है। पत्नी अर्चना के मुताबिक उसका पति आदतन नशे का आदी है। बुधवार शाम को शराब खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था। पत्नी द्वारा पैसे की मना करने पर पति गांव के बाहर जंगल में चला गया, जहां धारदार ब्लेड से गर्दन को काट लिया। स्थानीय लोगों को घटना की खबर लगी तो युवक की पत्नी को सूचना दी। घटना से ग्रामीणों में भी हड़कंप मच गया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां युवक का इलाज चल रहा है। क्या कहता है ये? हमारे पास 108 एम्बुलेंस पर फोन आया था। राजाखेड़ा तहसील के गांव सामोर में किसी व्यक्ति ने दारू के लिए पैसे न देने के कारण अपना गला काट लिया है, जो कि हमने उसको लाकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है।